स्वागत बा कबीला कार्यक्रम जीवन के नगर में मई कार्यक्रम प्रस्तुत है संगम चौधरी के तरफ से। कबीला आज भी मैं ये कार्यक्रम को पर्दा उघार सीखू। मैं आशा करत हूँ अपने रमैया मान का ये कार्यक्रम का समय समय सुनकर साथ देवी कना। कबीला ये कार्यक्रम बलिदान सेंटर नेपाल के सहयोग द्वारा संचालित कार्यक्रम हो। ये कार्यक्रम हरेक अठवार आइतबार से लेकर शुक्रवार सम्म हरेक संध्या 5:30 से करीब करीब 15 सम्म अपने हुकनक अपने सेल्फ रेडियो स्टेशन रेडियो सुदूर संचार 106.5 MHz में से ओ इंटरनेट ऑनलाइन में www.radiosudursanchar.com.np मार्फत संसार भर एक संग सुन सकबी। कबीला आज अपने सुनबी आदरणीय सीनियर पास्टर नरेलाल दहिजू द्वारा संदेश हुई था सद दिनिक ने आज फे अपन की माँ जम मैं आ रहा अपना सकू जहन एफ एम सुनिया सकू जहन मोर नमस्कार बा। तो ये दिन में हमारा प्रत्येक दिन शनिवार बाहेक प्रत्येक दिन हम सुनती बाती जीवन देना आनंद जीवन देना कुरा हम सीखती बाती ओमार आज कबीला होकन में अपन की माँ जम येसु के बारे में लन लबातू येसु येसु अना चाहे येसु चाहे येसु इस संसार में जन्म ना से आग 700 आग अगमबाणी हुई रह उ अगमबाणी में काल लिखल रह कलसे कहल रह कलसे एक ठो कन्या केटी के जीवन में से चाहे कोख में से चाहे पवित्र आत्मा के शक्ति में एक ठो बच्चा जनी चाहे गर्भधारण हुई और वाकर जीवन में से चाहे एक ठो छावा जन्मिस वाकर उही चाहे परमेश्वर हमार संग रही कना रह तो हमारा ये का देखती कलश है येसु प्रभु उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता होता मन इनके बात सुनक लाग बुझक लाग मनिया बनख हमार थे कुकुरिन के बात बुझक लाग कुकुर जन्म पर था कलश है गोरुन के आवाज बन गोरु जस्ट गोरु बन पर कलश है मुर्गिन के आवाज सुनक लाग बुझक लाग बोटाक लाग वस्टंग बन पर कलश है परमेश्वर फे मन न सीखा के लाग हमको डगर देखा के लाग वहाँ से मन इनके चोला लेख जन्मला हुका नाव चाहूँ येसु हितिन जे जे वो येसु में विश्वास करत वाकर चाहे उदार उदार पाएत मुक्ति पाएत शांति पाएत आनंद पाएत छुटकारा पाएत ये कुरा आज मैं अपन के माझ में येसु के येसु के बारे में कह चाहत हूँ येसु ख्रीस्त संसार में एना उद्देश्य का होता ये विषय में हमारा आज बात बोटाए अपनों को सुनबी ओ आशीष लेबी आशीष छुटबी का नाम विश्वास लेत हूँ। एक नंबर में मानव जातिन हन शैतान के शक्ति से छुटाक लाग मनन जातिन शैतान के शक्ति से छुटाक लाग येसु प्रभु इस संसार में अल 2000 आग अभी हमारा यहाँ देखती लुका 9:19-10 में फिर देखती कलश 1:13 में फिर देखती वहाँ चाहे मनन के पुत्र हेराइल हुकन ख्वाजक लाग और उद्धार करक लाग अल अठन हमारा देख लाती येसु ख्रीस हराइल मनिन ख्वाजक लगाइल बाट और हुकन चाहे उद्धार करकला का करे कि येसु चाहे परमेश्वर हुई परमेश्वर की सृष्टि हमारे हुई और हमारा चाहे हराइल रही आज हुकन हुकन चाहे ख्वाजाइल बाट और जे जे पापले बोझ चिंता फिक्री आशा निहुल बाट हुकन जुन उद्धार करकला इस संसार में ला एक ठो हमारे हेल्ले मन जाति चाहे शैतान के शक्ति में से छुटाइक लगाइल से दोसों कुरा फिर हमारे यार सीखती हमार सत्ता में अपन प्राण देखला वहाँ आइल आप हमार सत्ता में अपन प्राण देखला वहाँ चाहे छुटाइक लाग वहाँ चाहे संसार में अल अथन हमारे फिर देखती मती 20:28 अनुसार मनिन के पुत्र फे सेवा पाइक लाग नहीं कि तर सेवा करक लाग और बहुत मने उद्धार के निम्ति अपन प्राण देखला इस संसार में येसु ख्रीस्त के जन्म होली मैं यह कहत हूँ हमार कबीला होकरा मने तो सब जर आदर सम्मान पाइक खोज था तर येसु प्रभु ठैक्क उल्टा वहाँ चाहे आदर सम्मान पाइक लाग नहीं कि वहाँ चाहे सेवा करक लाग और बहुत से बहुत मने ढेर से ढेर मने चाहे उद्धार पही उनको प्राण अपन प्राण देखला गैला वहाँ मन के मुना ठाव में वहाँ अफने कुरुष में चिहुर खन मुँह देला हमार मुना ठाव में वहाँ रगत बगा देला गरे में गसका देला मुँह लट तीन दिन गरे में से चिहान में से जी उठ गेला इस संसार के शक्ति है ना जीतला वो हमारा था ना हमारा देखते कि
हमार सत्ता में अपन प्राण देखला कि हाँ वहाँ चाहला हमन छुटाएला अपन प्राण देखला इस संसार में तेसो कुरा हमारे फिर अठन हमारे हेरी हमार कबीला हम अपन के माध्यम कह दुई ठो कुरा करनु कल से आप तेसो कुरा फिर हमारे हेरी आ हमार जीवन में हुईल शैतान के काम होने नष्ट करक लाग आजकल हमारे देखते बहुत मने रोगी बीमारी बाट आपद विपद फेमा परल बाट आओर जुन जत्रा दवाई कराए त यहाँ उमर जाए त फेर चुम्मर नै हुई त अनि हुक्र हुक्रन चाहिँ शैतान कागत कब्जामा लिएर बाटे ऊ शैतान न चाहिँ हटाइक लाग नष्ट करक लाग यीशु प्रभु संसारमा कागत आइल म यही कह चाहतु कि अपना उग्र ये सुदूर संसार बेलोरी के एफएम से जता जो सुनते अपना उग्र गवाही सुनते कि उल्टी करत रगत ही रगत उल्टी करत हमरे यीशु में विश्वास कलर आज निको चुम्मर हुई बात गवाही सुनल बाटे उनकन अपना उग्र भेटाई भी सकती जाति हो कि बल्ली हो अन्य हमरे और गवाही फिर हमरे सुनल बाटे कोहलपुर में जा खन फिर यहाँ उहर जा खन फिर दवाई करेल गुआर शरीर में घाव घाव रहें तब फिर अपने सुनल बाटे यह कार्यक्रम मार्फत कोहलपुर में आईसीयू में एक दिन एक 12,000 रुपया ले चक्कू रुपया ओरा गल अन हरेक जहन से झार फूक चुम्मर फूक लग तर मजा नहीं होल अंतिम में यीशु में विश्वास करल त एक ठो दीदी मैं चोखा गेलो आस न्यांग सेक्ठो कि नहीं कहे मैं न्यांग सेक्ठो कल का कर कि यीशु कारण ले हेरी त ये संसार में शैतान के जीना ठाव नरक हो वो नरक में चाहे अपना महीना ले जाए इसका चाहता यो हमारे शैतान चाहे नष्ट कर लाग उस प्रभु यीशु चाहे संसार में मैं अपना ना और फिर कह चाहत चार नंबर में हमन चाहे अनंत जीवन देख लाग यीशु प्रभु संसार में कोई अनंत जीवन दे सके कोई फिर नहीं सके तर यहाँ चाहे दुठो कुरा बा आज का बेला अपने ग्रह मजा से सुनते बाटी कल से दुठो दुठो चीज बा एक अनंत जीवन बा कल से एक अनंत मृत्यु बा तो यीशु प्रभु चाहे अनंत मृत्यु देख लाग नहीं लगी वहाँ चाहे अनंत जीवन देख लाग ये संसार में अल अने हमारा बाइबल धर्मशास्त्र में हमारे देखते कल से बहुत पुस्तक में फिर हमारा ओह कुरा लिखल देखते योना 3 के 16 में फिर हमारा देखते अने 17 में फिर देखते योना 10 के 10 में फिर हमारा देखते यहाँ से बहुत हमारे देखते मैंने गवाही हमारा देखते स्वार्थ चोरू नाश पारूँ कहीं शैतान भूत ऐठा कल से हमार यीशु प्रभु चाहे अनंत जीवन पहें कहीं वो इस संसार में आएगा अपना होकर सोच समझे अपने उग्र अनंत जीवन पाए चाहे कि अनंत जीवन पाए चाहे कि अनंत अनंत मृत्यु खोज रोज चाहे ये चाहे अपन के हाथ में बा हमारे मैं अपना को माझम कह तो पाँचों कुरा फिर मैं अपन के माझम में लाना चाहत हूँ हमारा चाहे नया जीवन पाए ताकि हमारा चाहे परमेश्वर के परिवार में स्थान पाए का ये अत्रा मजा कुरा अपना उग्र रोज चाहती का अपना अपना नया जीवन पाए नहीं चाहे अन्य और अपना परमेश्वर के परिवार में स्थान पाए चाहे कि नहीं चाहे यदि चाहे कल से थाना बहुत भारी मौका बा मैं अपन के माझ में यह कहत हूँ प्रिय कबील कबीला होकर यहाँ चाहे अनंत जीवन नया जन्म देना चाहे केवल यीशु हमारा अब संसार में 40-50 वर्ष 60-70 वर्ष हो रहा हुई भी कोई 10-15 वर्ष फिर हुई भी हमारा तर अपना मैं चाहे आत्मा में नया जन्म पाई सकते पुरान कुरा हमारे पुरान संस्कृति पुरान सोच विचार में लिखल से आज यीशु में हमारे नया काम पाई सकते हमारा नया जन्म अपना जीवन में खुशी आनंद आई सकत उस मैं अपना अंतिम में एक ठो कुरा कह चाहत हूँ परमेश्वर पिता से हमार संगति पुनर्स्थापना कर चाहबी वो हमारे यीशु प्रभु अला परमेश्वर पिता से हमार संगति चाहे फिर मिलाइक लाग वहाँ इस संसार में अल इस सुंदर अवसर मौका बा पाप के कारण ले परमेश्वर पिता के संगति संगति से हम दूर रहें रास यीशु ख्रीस्ट इस संसार में अल कारण ले आज हम एक संग बाटे फिर जोड़ दिल हमार पाप हटा दिल हमार पाप के लागू मुँह दिल हमार रोग बीमार उठा ले गल ओहो हमारे हुकार यीशु ख्रीस्ट के बलिदान के कारण ले आज फिर हमारे परमेश्वर पिता से फिर हमार संगति जोड़ गल बा का अपना निराश बाटी का अपना फेरम परल बाटी का अपने विभिन्न समस्या में परल बाटी मर कोई कागज महीना सहायता करे कोई नहीं हो कह सोचती हमार दाजू भाई दीदी बहनी अपनो निराश ना हुई
एक ठो मनी अब अपना न प्रेम करत ई संसार न बनिना स्वर्ग पृथ्वी बनिना परमेश्वर अपना न सहायता करक लाग तैयार बात का अपना तैयार बात ही वहाँ अपना न बलाही अपन हाथ आप अपनन के होर कई खाना कहा मुआ ठियाओ वह अनंत जीवन देख लाग तैयार बात वहाँ ही विकल से अपनन के जीवन खुशी आनंद आप बहे पाइसे भी ली त मैं यथा कति आज पे अपन के माज में से विदा हुई तू। धन्यवाद, नमस्कार।